मंडी से सांसद कंगना रनौत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंची हैं, जहां उनसे उनकी मुलाकात चल रही है। दरअसल उनके बयान से उपजे विवाद के बाद उनकी मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। किसान आंदोलन को लेकर जो बात कंगना रनौत ने कह दी थी, उसके बाद पार्टी की बहुत किरकिरी भी हुई थी और बीजेपी ने इस बयान से दूरी बना ली थी। ये साफ तौर पर कहा गया था कि दरअसल ये पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। कांग्रेस ने इस पर बीजेपी को घेर लिया था। आपको पता है आने वाले दिनों में हरियाणा में चुनाव भी है और इस चुनाव के मद्देनजर बीजेपी को इस बात का एहसास हुआ कहीं नुकसान ना हो जाए कंगना रनौत के बयान का। तो ना सिर्फ बीजेपी ने दूरी बनाई कंगना रनौत के इस बयान से, बल्कि खबर यह भी आई थी कि ये बात कही गई है कंगना को, उन्हें ताकीद किया गया है कि आप आगे से इस तरीके की बात ना कहें ना बोलें। और अब जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंची हैं। हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इस मुलाकात को लेकर और कुछ जानकारी मिल पा रही हो नीरज? देखिए, जब भी परिवार का कोई सदस्य कुछ गलती करता है तो जो घर का मुखिया होता है उसको बुला के डांटता भी है, समझाता भी है और आगे ऐसी गलती ना करने की हिदायत भी देता है। तो इस मुलाकात को ऐसे ही माना जाए, क्योंकि कंगना रनौत के बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी को ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करना पड़ा और इस पूरे उनके स्टेटमेंट से अपना किनारा करना पड़ा और उसके बाद कंगना रनौत यहाँ मिलने पहुंची। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार इस बयान के बाद से हाईकमांड ने कंगना रनौत को फटकार भी लगाई थी कि आपको कई बार मना किया गया कि आप इस तरह की बयानबाजी ना करें, लेकिन बावजूद इसके बैक टू बैक आप स्टेटमेंट्स दे रही हैं और आपके बयान से कई बार पार्टी को दिक्कतें हो जाती हैं। तो उस डांट फटकार के बाद आज कंगना रनौत मिलने पहुंची जेपी नड्डा से अपने पक्ष रखते हैं। नीरज, कल भी खबर आ रही थी कि कल ये मुलाकात होनी थी। जी, पहले कल नहीं बल्कि एक दिन पहले परसों ये मुलाकात होनी थी शाम को 7 बजे तक, लेकिन जेपी नड्डा किसी कारणवश कहीं कार्यक्रम में बिजी हो गए थे जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हो पाई और आज सुबह सुबह कंगना रनौत फिर पहुंची हैं उनके आवास मुलाकात करने। जेपी नड्डा से अभी भी उनके आवास में ही है, मुलाकात चल रही है। ठीक है नीरज, नजर बनाकर रखिए, कुछ अपडेट होगा तो आप बताइएगा, दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे वो इन्फॉर्मेशन भी।